Come in. Sir, ये important documents पर आपके sign चाहिए थे. कहाँ sign कर? सर मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की बजटिंग कर दी है. अब जैसे ही आप गो अहेड देंगे ना, मैं फॉरेन कोरियर करवा दूंगी. कब? एक साइन और कर देना प्लीज. और कहाँ साइन? थैंक यू सर. बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए. बहुत याद आ रही थी मुझे तुम्हारी. इतने दिनों से हम प्लान बना रहे थे लेकिन हर बार कोई ना कोई काम निकल आता था. जी भैया, आज तो मैंने जिद पकड़ ली थी कि वापसी पर मुझे भैया के पास जरूर जाना है, इसीलिए तो लेकर आए मुझे. अनीस, ये जुल्म तो ना करो हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया पर. तुम्हें पता है ना हम अपनी गुड़िया के बगैर नहीं रह सकते. ले आया करो ना इसे. अरे भाभी, आइंदा ख्याल रखूंगा कि ज्यादा लंबा गैप ना हो. बेगम, वैसे तुम होगी बुढ़िया, हम तो खैर अभी जवान है. सही कह रहे हैं आप. वैसे भाभी, आपने बुढ़ा किसको कहा है? मेरा भाई तो माशाल्लाह से इतना हैंडसम, इतना डैशिंग है. आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? बस भाई बस, अब तो इन दोनों ने पार्टी बना लेनी है, एक और एक 11 की. सारी उम्र मेरे साथ यही करते रहे, मैं बेचारी हमेशा अकेली रह जाती हूँ. अरे भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही है ना, आपका भाई आपके साथ. ये हुई ना बात, सुन लिया तुम दोनों ने. अब मेरे साथ मेरा भाई है. अब देखना तुम दोनों, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तुम दोनों को. फिलहाल तो खैर कुछ खाने के लिए दे दीजिए. जी, खाना इस वक्त इतना लेट? हाँ, आज शायद हमारे नसीब में बहन के साथ खाना लिखा था इसलिए. अब भाई, मैं शायद खाना नहीं खा पाऊँ क्योंकि ओवर ईटिंग हो जाएगी. सोच लो अनीस, आज चिकन बिरयानी बनी है और तुम्हारे फेवरेट कबाब. मिस करोगे? चलें अब, थोड़ी बहुत तो ओवर ईटिंग चल सकती है ना. ये हुई ना बात. आओ माँ, हम दोनों तरह किचन देख लें. अस्सलाम वालेकुम. जी जी, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट. आई एम ग्लैड कि आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे रिसीव हो गए. जी जी, ठीक है, ग्रेट. मैं आज ही अपने बॉस को ये न्यूज़ सुना देती हूँ. थैंक यू सो मच. ओके, अल्लाह हाफिज़. मिस कुछ से? तो इतना बिजी थी, आपको मेरे आने का पता ही नहीं चला. I'm really sorry sir. वो एक्चुअली मशहूर एंड कंपनी से फोन आया था. वो कह रहे थे उन्हें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए. गुड, ये तो अच्छी बात है. और कोई इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए? नो सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. मैं एक जरूरी मीटिंग पे जा रहा हूँ, कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिए. श्योर सर. क्या बात है, इतनी चिड़ी हुई क्यों हो? जहर लगता है मुझे ये आदमी. क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें अभी तक इसकी किससे कहानियों का नहीं पता? क्या हो गया यार, किससे कहानियां तो हमेशा से झूठ होते हैं.
मुझे तो हैरत है तुम अभी तक यहाँ टिकी हुई हो। क्या कहना चाहती हो तुम, मैं समझी नहीं। एक मुखलिसाना मशवरा है तुम्हें इससे होशियार रहना। देखो मेरा मानना यह है कि हम हर इंसान की हद खुद मुकर्रर करते हैं कि हमें किसी भी इंसान को कहाँ तक जाने देना चाहिए और कहाँ तक नहीं। खैर बस यही कहूँगी मोहतात रहना कि फाइल लो मौसूफ आ जाए तो सिग्नेचर करवाता हूँ। क्यों आ गई? नोमी को बुखार है और तुम उसे अकेला छोड़कर यहाँ चली आई। मैं आ तो रही थी। अभी नोमी की तबीयत काफी बेहतर है। अम्मी सीजनल वायरल है, थोड़े टाइम से जाएगा। अल्लाह का शुक्र। तुम खाना तो खा लो, तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया बेटा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का। दिल की सुनोगी ना तो नुकसान में रहोगी। दिमाग की सुनने वाले कौन से फायदे में रहते? फायदे में नहीं रहते लेकिन नादानियां तो नहीं करते बेटा। ठीक कह रही हो। दिल अक्सर नादानी की बातों पर बहुत उकसाता है और इंसान अच्छे बुरे की तमीज खो बैठता है। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या? क्या परेशानी हो सकती है? मैं इन मसाइल की वजह से अपनी नन्ही सी जान से दूर हो जाती हूँ। आप नहीं समझ सकती कि सारा दिन मेरा कितना कितने अज़ियत में कटता है। क्यों अंदाजा नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं बेटी हो तुम मेरी। तुम्हारे सारे दुख परेशानी मेरे सामने ही तो है बेटा। इस उम्र में तो तुम्हें अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारनी चाहिए थी और तुम बेवकी झेल रही हो। सारा दिन पैसे के लिए कैसे मारी मारी फिरती हो, कैसे अपना खून जलाती हो, क्या मैं नहीं देख रही? और तुम कह रही हो कि मुझे अंदाजा नहीं। कोई बात नहीं, ये मेरा नसीब है। अम्मी दिल नहीं छोटा करे, आप देखिए तो सही कि अल्लाह पाक ने हमारे इर्द गिर्द हमें कितनी नेमतों से नवाजा और हम अल्लाह पाक की दी गई नेमतों का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। सच्ची बात, मेरी बेटी बड़ी साबिर है और अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ होता है ना। ये क्यों परेशान होती है अम्मी आप? अपनी बेटी के लिए परेशान होने के बजाय दुआएं किया करें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, बहुत। मैं तो हर वक्त अपनी बेटी के लिए दुआ करती हूँ। मेरी तो दुआ शुरू भी तुमसे होती है और खत्म भी तुम पर होती है। मिस कुत्सी, आज आप लंच मेरे साथ करेंगे। क्यों सर? बिकॉज आई सेड सो। आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। वजह जान सकता? क्योंकि मैं ये सब कुछ ठीक नहीं समझती। आप वाकई गलत समझिए, मैं आपको पर्सनल लंच पे नहीं ले जा रहा, ऑफिशियल लंच।
जाना होगा आपको। सर जो भी है, मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ, मैं नहीं जा सकती। इस खुद से आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ इस जॉब में होता है। सर अगर ये सब कुछ मेरी जॉब में होता तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता, लेकिन ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो आई एम रियली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने इस वक्त कॉल की, खैरियत? डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने आपसे पूछा है कि आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया। ऐसे ही दिल कर रहा था किसी अपने से बात करने को, दिल की बात करने को। दिल बहुत भरा हुआ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं हूँ। प्लीज कुत्सिया, कुछ बातें हम कहीं भी समझ ली जाती। मेरा ख्याल है इस वक्त आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं आपको भी अपनी फैमिली समझता हूँ। सर इतनी रात गए, यकीनन आप अपने घर में होंगे अपनी फैमिली के दरमियान, तो बेहतर है कि आप अपनी फैमिली को ये फैमिली समझें। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी सेक्रेटरी। आपका मेरा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिस आवर्स में, उसके बाद मेरा सारा टाइम मेरी फैमिली के लिए होता है। बेहतर है अगली बार आप मुझे इतनी रात को कॉल ना करें। इतना एटीट्यूड, समझती क्या आप हमको? दो कौड़ी की औकात नहीं हो, रखड़ देखो। ये सब क्या है दुष्कृत्य? मैंने आपको क्या लिखवाया था और आप क्या लिख के ले आई? सर जो आपने कहा था वो ही लिखा है, मैं सलीम साहब से चेक करवा कर लाई थी। क्या खाक चेक किया है आपने? तो पूरी बात का मतलब ही बदल दिया। मैंने ये ड्राफ्ट दिया था आपको? इससे पहले तो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिला। इसलिए क्योंकि मैं इग्नोर करता था, मगर हर चीज की एक लिमिट होती है। कि इंग्लिश कमजोर है, आपकी ग्रामर कमजोर है। सर मेरा किरदार मजबूत है। मैं इसको भी सही करती हूँ। कैसी हो कुत्सिया? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। ये बॉस की मीटिंग की डिटेल्स हैं, इन सबको टाइप करके बॉस को ईमेल कर देना। ठीक है, मैं कर दूंगी। आज ही? आज 4:15 हो रहे हैं यार, 5 बजे तक कैसे कंप्लीट करूंगी सारा काम? क्या कह सकती हूँ, जो बॉस ने कहा वो बता रही हूँ, उन्हें आज रात तक चाहिए। अब मेरी हद से बाहर हो गया है। इख्तदार की हरकतें रोज बर रोज बढ़ती जा रही हैं, और तो और उन्होंने रोजाना लेट घर में आना शुरू कर दिया है। सबर करो बेटा, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। तुम तो जानती हो ना कि अल्लाह सबर शुक्र करने वालों को कितना अफजल रखता है। बस तुम्हारी एक औलाद हो जाए ना तो बस। अम्मा
औलाद का होना ना होना मेरे बस में तो नहीं है ना। हो सकता है कमी मुझ में ना हो। अरे अरे बेटा, मायूस नहीं होते। देखो अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। ठीक है माँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। डरा दिया मैंने। काम कंप्लीट हो गया? जी सर। सारा? जी सर सारा। अब तुम्हें घर ड्रॉप कर। नो थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी। रात बहुत हो गई, प्लीज बात मान लूंगी। थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। कभी तो मेरी बात समझ जाएगा। सर मैं आपकी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, बट नो थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। भेजाने तो इन्हें मत रुको, इससे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा बेटा। या अल्लाह, तूने मुझे मंसूर की जगह अपने पास क्यों नहीं बुलाई? अम्मी क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें तो नहीं करें आप। क्यों ना करूं मैं ऐसी बातें? तुझे इस हाल में देख के दिल कटता है मेरा। बस नहीं चलता, वरना मैं तेरी जिंदगी के सारे गम अपनी झोली में भर लूं। पता नहीं किस मनुष्य की नजर लग गई और मेरी बच्ची का हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। जो होना था वो हो चुका है, शायद शायद मंसूर की जिंदगी नहीं लिखी थी। काश उसे मेरी उम्र लग जाती। कर लिया मैंने इतना चीख, तुम पर अलग बोझ बनकर बैठी हुई हूं मैं। और अगर आज मंसूर जिंदा होता तो तेरे चेहरे के रंग ही अलग होते ना। अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें, आप ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रही है। मंसूर अब कभी वापस नहीं आ सकते। जहां तक आपकी बात है, आप मेरी हिम्मत है, और अगर आप ना होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी में एक कदम भी नहीं चल पाती। अपनी मां सबके अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे।
थैंक यू करने की जरूरत नहीं। क्या है ये? गिफ्ट है तुम्हारे लिए। क्यों? गिफ्ट देने के लिए कोई वजह तो नहीं चाहिए। वजह तब होती है जब कोई ताल्लुक होता है। तो ताल्लुक बनाने में कौन सी देर लगती है मुझसे? क्या मतलब है आपका? अब मतलब भी समझाना पड़ेगा। इतनी बच्ची तो नहीं है आप, एक बच्चे की माँ है। भैया आपकी मुश्किलात आसान करना चाहता हूँ। के बच्चे का फ्यूचर, तुम दोनों के सरों पर छत, रुपया पैसा सब मिलेगा। और ये सब आप क्यों करेंगे? मेरी बात मान जाओ, खुश रहूंगी और मैं भी। देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, चंद घंटे तुम्हारे साथ गुजारने। लानत भेजती हूं मैं तुम पर और तुम्हारी इस नौकरी पर। हेलो, क्या बात है? क्या ये क्या कह रही हो तुम? रुजाला ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मेरी सुबह बात हुई। अनी इसको हार्ट अटैक है इस उम्र में। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बल्कि ये फैसला तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऐसे बदनीयत और बद किरदार इंसान का क्या भरोसा बेटा? मजबूरियां अम्मी, मजबूरियां इंसान को जकड़ लेती। कैसे पूरे होते घर के अखराजात? बस ये सोच के थोड़ा डर जाती थी। नहीं बेटा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। वो राजिक है ना, रिस्क देने का वादा उसने किया है, तो वो वादा खिलाफी कैसे कर सकता है भला? जैसे आज तुमने उस पर तवक्कल करके इतना बड़ा फैसला लिया है, अगर तुम ये फैसला पहले ले लेती ना तो इतनी परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ता तुम्हें। बिल्कुल ठीक कह रही है। आज के बाद से मैंने अपने सारे मामले अल्लाह के सपोर्ट किए। बहुत अच्छा किया, शाबाश। बस तो फिर तुम बेफिक्र हो जाओ, तुमने हया का रास्ता नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है भला? बहुत कारसाज है। बेशक अम्मी, बेशक। जीती रहो। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अल्लाह ताला माँ हमको सब्र और हिम्मत दे बेटा। जवानी की बेवगी औरत की सबसे बड़ी आजमाइश होती है। तना औरत तो समझो भेड़ियों के गोद में मासूम शिकार। महम, महम रुको, महम हुआ क्या है? महम बताओ मुझे। महम उनकी नजरें भाभी अंदर तक चीर के रख देती है मुझे। आप बताएं बेवा होना जुर्म है क्या? ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसने मेरा शौहर मुझसे ले लिया, इसमें मेरा क्या कसूर था?
तो फिर क्या हक है इन लोगों को मुझ पर मेरी जिंदगी तंग करने का? घर से बाहर कदम रखने से घर के अंदर आने तक लगता है कुत्तों और भेड़ियों के दरमियान से गुजर रही हूँ मैं। जो अपनी गंदी नजरों से मुझे नोचते हैं रोजाना। मुझसे हुई है वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे दिया।